नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल राष्ट्रीय संत राज्यसभा सांसद बालयोगी उमेशनाथ जी का मुल्ताई आगमन, कार्मल हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे, हुआ जोरदार स्वागत। मुल्ताई नगर में रविवार दोपहर 11:30 पर राष्ट्रीय संत एवं राज्यसभा सांसद बालयोगी उमेशनाथ महाराज माँ ताप्ती सदा नीरा अभियान के अंतर्गत आयोजित संगोष्ठी में भाग लेने पहुंचे। वहीं कार्मल स्कूल परिवार की ओर से माता ताप्ती की फोटो प्रदान की गई। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए ताप्ती दर्शन के बाद नगर के प्रतिष्ठित स्कूल कार्मल हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे, जहां संचालक अनीस नायर सहित स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा उनका जोरदार भव्य स्वागत किया। उन्होंने माँ ताप्ती नदी के महत्व एवं विशेषताओं के बारे में उपस्थित सभी लोगों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि माँ ताप्ती सरोवर एवं कुंड को स्वच्छ एवं साफ रखने में शहरवासियों सहित शिक्षण संस्थानों की भागीदारी अनिवार्य है। यदि सरोवर का पानी गंदा होता है तो यह एक गंभीर समस्या बनकर सामने आएगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मुल्ताई से निकलने वाली माँ ताप्ती नदी गुजरात की जीवन रेखा है, जिससे पूरे गुजरात में जलापूर्ति हो रही है। यहाँ तक कि इस नदी पर बंदरगाह का निर्माण भी हुआ है। अब बारी है मुल्ताई से उद्गम होने वाली माँ ताप्ती के विस्तारीकरण की, जिसको लेकर पूरे क्षेत्र वासियों को आगे आना होगा। इस संबंध में माँ ताप्ती सदानीरा अभियान के अनीश नायर ने बताया कि प्रथम पुलिया से लेकर ग्राम सांडिया तक माँ ताप्ती नदी को बहते हुए स्वरूप में लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए लिखित में परियोजना बनाकर आज राष्ट्रीय संत एवं राज्यसभा सांसद को सौंपा गया। उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम प्रथम पुलिया से लेकर ग्राम सांडिया तक सीमांकन का कार्य होना है। इसके बाद जहां अतिक्रमण है वहां से अतिक्रमण हटाकर माँ ताप्ती नदी का विस्तारीकरण करना है। वही प्रथम पुलिया से लेकर ग्राम सांडिया के बीच 5 बैराज का निर्माण भी कराया जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त प्रथम पुलिया से लेकर ग्राम सांडिया तक दोनों ओर पथ मार्ग का निर्माण एवं सौंदर्यीकरण सहित वृक्षारोपण करना भी इस अभियान में शामिल है। सभी ने सांसद बालयोगी उमेश नाथ महाराज के आगमन को लेकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए माँ ताप्ती का छायाचित्र भेंट किया। इस दौरान स्कूल प्राचार्य विनिता नायर, संचना जैन, विशाल सोनी सहित समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं स्टाफ उपस्थित रहा। स्टेट हेड राजेश खत्सी की रिपोर्ट।